लगी है और मेरी मम्मी ने बोला है कि इस लड़के से बात कर अब तू। विल यू बी माई बॉयफ्रेंड अनुज? बॉयफ्रेंड? हाय, काश कोई मुझसे यूं कहता विल यू बी माई हस्बैंड। हाँ, अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब मज़े में हो गए, बिंदास हो गए। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, फाइनली मुस्कान ने वो वीडियो देख ली, इंस्टा पे मुझे मैसेज आया और नंबर शायद गलत था उनके पास, तो बात हो गई है। वो लंच टाइम अभी उनका थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट होने वाला है, तो वो यहाँ आने वाली है। लेट्स सी क्या रिव्यू है या क्या वो कहना चाहती है वीडियो के बारे में, वेट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ जी दोस्तों, जिस चीज़ का आप सबको मेरी तरह बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली मुस्कान आ रही है, आ चुकी है। एक बार आदेश दिखा दो यार। इधर आ जाओ, हाय हाय। तुम बहुत बड़े वाले, क्या बोलूं यार मैं तुमको, इतना रूडली वाला हाय कौन करता है? रूडली वाला हाय नहीं, तुमने क्या किया तुमको पता भी है? हाँ मुझको पता है मैंने क्या किया। और तुमको पता है कि मैंने किस लिए तुमको यहाँ पे बुलाया है? हाँ मुझे पता है। गलत नहीं था ये? तुम्हें नहीं लगता ऐसे बुरा लग सकता है किसी को भी? बैठो तो सही यार, बैठो तो सही एक बार। बहुत गलत था वैसे, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। हाँ अच्छा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। आज देखो लंच टाइम भी नहीं है, उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है। हाँ तुम्हें लगता है तो तुमने किया वो ठीक था? नहीं मतलब ठीक और गलत क्या, मैंने देखो यार पता है तुम्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली को हम क्या जवाब देंगे? एकदम से मेरी मम्मा कुछ भी सोचेंगी ना लोग। वो तो मेरी मम्मी तुम्हारी वीडियोस देखती हैं, उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये क्या है, मैं एकदम शॉक्ड। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि तुम वीडियो, लिटरली मेरे को 1% ये नहीं था कि तुम वीडियो शूट कर रहे हो या कुछ भी। सॉरी। सॉरी नहीं यार, तुम मुझे बता भी तो सकते थे ना यार। अगर मैं उस टाइम पे तुम्हें ऑन द स्पॉट बताता तो एक होता है ना कि इतनी प्यारी बातचीत चल रही है, इतना प्यारा इंप्रेशन किसी पे डल रहा है, फिर सडनली मैं बताऊँ तो हर्ट हो जाए तुम्हें। हर्ट तो वैसे भी हो सकता है ना किसी को वीडियो देखने के बाद भी, तो तुम्हें लग सकता है ना कि अगर मुझे कहीं से भी हल्का सा पता चलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। और तुम यूट्यूबर और तुमने मुझे ये चीज़ भी नहीं बताई, इतनी अगर प्यारी प्यारी बातें हो ही रही थी मैं भी तुम। बातें तो नेचुरल थी ना, बातें नेचुरल थी, बट तुम मुझे बता सकते थे ना कि तुम यूट्यूबर हो, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया यार। एक्चुअली आपके फेस की जो खुशी थी ना और जो स्माइल थी उसने मुझे बताने नहीं दिया, नहीं तो मैं रिवील कर देता यार। मेरी मम्मा मुझसे पूछ रही, मैंने उनको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया कि मुझे नहीं पता इस वीडियो के बारे में कुछ भी, कब शूट हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मा तुम्हारी सारी वीडियोज़ देखती है और मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। आई एम सॉरी। तो आप डिलीट कराना चाहते हो? डिलीट नहीं करना है, इतना कुछ नहीं था। ठीक है मुझे ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, बट तुमने आज वीडियोज़ को शूट किया। अब देखो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना कि मेरे दिल में भी ऐसा लगा, मैंने कहा नहीं यार इस लड़की को हर्ट मत करियो, तो वो चीज़ सोच के मैंने बस रिवील नहीं कराया। बाद में तो तुम सोच सकते थे ना कि बाद में भी तो मेरे को हर्ट हो सकता था ना, बट हुआ नहीं। ठीक है सारी चीज़ें जो भी है, हर्ट नहीं हुआ, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। जैसे तुमने मुझसे मतलब फ्रेंडशिप भी करी, सारी चीज़ें एक्स वाई जेड जो भी हमारे बीच में जिन कॉन्वर्सेशन हुई वो बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, बट तुम मुझे सामने से कमेंट्स भी तो बहुत प्यारी थी, कमेंट लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि भाई एक हो जाओ यार, भाई शादी कर लो, इससे अच्छा कुछ नहीं। मेरी मम्मी ने भी यही बोला है। क्या? मेरी मम्मी को भी तुम्हारी वीडियोस अच्छी लगी है, मेरी मम्मी ने बोला है कि इस लड़के से बात कर अब तुम। मजाक कर रही हो यार? मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी मम्मी ने भी बोला है कि इस लड़के से अब बात कर। अब ये क्या तुम्हारी बातों में गुस्सा दिख रहा है मुझे, ये क्या है? नॉर्मल बात करो जैसे कल कर रही थी। गुस्सा नहीं है। अच्छा। मैं थोड़ा सा ना वीडियो जो मैंने देखा ना एकदम से, तो हाँ क्यूट था वीडियो मुझे और अच्छा भी लग रहा था तुमसे कॉन्वर्सेशन करके। उस दिन भी मैं जो भी अपने मन से बोल रही थी वो सारा फील से ही था। मैंने भी फील से ही बोला था यार। मुझे अब मुझे कैसे पता, तुम तो वीडियो शूट कर रहे थे ना, मुझे थोड़ी पता इतनी सारी चीज़ें। बट मैंने देखो कहीं ना कहीं मेरी इंटेंशन देखो ना, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं करा और हर्ट करना चाहा भी नहीं, इसलिए मैंने बस रिवील नहीं कराया यार। मेरी मम्मी को वैसे तुम अच्छे लगे और आज मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि तुम मुझे भी उस दिन थोड़े अच्छे लगे। थोड़ा मे भी बहुत, मैंने पूरे दिन मतलब सोचती नहीं थी मैं किसी के बारे में, बट मैंने सोचा उस दिन। अबे यार थैंक यू सो मच, बट आई एम रियली सॉरी, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया थोड़ा बहुत।
तुम ठीक कर सकते हो वैसे उस चीज़ को। मैं जैसे मैं ठीक कर रहा हूँ, बताओ कहाँ पे चाय कॉफी प्लान है। सिंगल हो? कमिटेड या सिंगल? यार मैं तो सिंगल ही हूँ, मैं तो बस वीडियोज ही बना रहा हूँ आजकल और ऐसे ही खुश रहता हूँ। मेरी लाइफ में एक इंसान कह लो या एक सक्सेस कह लो या एक कुछ है, एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरी मम्मी को तुम बहुत अच्छे लगे। मेरी मम्मी को आज से पहले कोई लड़का नहीं पसंद आया, कोई भी वीडियो शूटर या एडिटर या कुछ भी XYZ। अच्छा, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो दिखाई पापा को भी? दिखाई पापा को भी दिखा दी। नाइस, मैं खुश हो रहा हूँ। मैं कह यार मैं किसी को अच्छा भी लगा हूँ, मतलब लोग गालियाँ ही देते हैं अक्सर। अगर आप चाहते हो कि उस दिन की कॉन्वर्सेशन से फ्रेंडशिप थोड़ी सी आगे बढ़े, सो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, मे बी। हाँ बिल्कुल, बट यार देखो कहीं ना कहीं इस चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने की है? प्रॉब्लम कैसी? प्रॉब्लम यार देखो, मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ, काम करता हूँ, बहुत सारे गर्ल्स वगैरह आती हैं शूट पे, देखते ही होगे आप नहीं देखते या आप देखा भी होगा चैनल, प्रॉब्लम नहीं होने की है? बेसिकली व्हाट यू वांट, मतलब मुझे थोड़ा खुल के समझाओ। वो कहते ना व्याख्या बोलते हैं, संदर्भ बोलते हैं, खुल के बोलना होता तो मैं उस दिन ही बोल देती। अच्छा ओके, तो यहाँ मुझे समझना है, मतलब अपना दिमाग लगाना है। यार वो तो है नहीं ना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर चीज़ें ना दिल से करी हैं, वो वीडियो भी दिल से ही बनाई थी, दिमाग से नहीं बनाई थी। तुम्हें देख के, तुम्हारी मुस्कान की चमकान को देख के जो जो दिल में आया था मैंने वही सब बोला था। नाम कैसे पता? नाम कैसे पता यार, उस टाइम पे तुमने बताया तो था। मैंने बताया था और क्या? क्या हुआ, तुम भूल गई या मेरी बातों के नशे में हो? यार स्माइल तो प्लीज़ वैसी वाली दो ना, तुम जैसी थी। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, किस चीज को लेके कंफ्यूज हो? विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? हाय काश कोई मुझसे यूं कहता विल यू बी माय हस्बैंड। हाँ अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे तो ये चीज भी पॉसिबल है, बट मेरी कुछ कंडीशंस है। हाँ वैसे एक रास्ता तो आसान है, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को मैं पसंद हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मे बी मेरे मम्मी पापा को पसंद हो, शायद इसीलिए मुझे और पसंद आने लगे हो एक वीडियो के बाद ही। और वो वीडियो मैंने कम से कम कितनी बार देखी होंगी, 10 बार तो देख ली होंगी। थैंक यू। कंडीशंस क्या हो, जैसे कि लाइक तुम वीडियो शूट करते हो, यूट्यूबर हो, ठीक है वो तुम्हारा प्रोफेशन है, बट मैं नहीं चाहती कि जो भी मेरा हस्बैंड हो, ये मेरा जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो हस्बैंड हो वो वीडियो शूट करे या यूट्यूब वगैरह। तुम कोई जॉब ढूंढो अच्छी सी या कुछ भी, ऑफिस वगैरह समथिंग ज्वाइन करो। बट यार ये थोड़ी अजीब कंडीशन नहीं है तुम्हारी? बोल सकते हो, तुम्हारे लिए मे बी हो सकता है। बट आपको पता है जॉब ना मैंने अपनी लाइफ में इतनी करी है, पता नहीं कितनी बताऊं मैम। रिटेल में मैंने बहुत काम किया है, प्यूमा में किया है, लिवाइस में किया है, यूसीबी में किया है, जैक एंड जोन्स में किया है, फॉरएवर न्यू में किया है, गैस में किया है, और भी बहुत सारे ब्रांड जो मुझे याद नहीं है, FC UK में किया है, तो ये सारे ब्रांड्स हैं, और कॉल सेंटर में भी काम किया है, स्पाइस बीबी में भी। तो मैं जॉब वाली लाइफ से ना एक थक चुका था, तो मैंने सोचा यार अब ज़िंदगी में क्या किया जाए जिसमें खुशी हो, जहाँ आप अपने बॉस हो, अपने हिसाब से काम कर सको। तो उन सब के बाद मैंने अपनी खुशी चुनी, और सबको अपनी खुशी से बहुत प्यार होता है, तो मेरा जो ये काम है ना मुझे इससे बहुत प्यार है। अब लोग अपने प्यार के बिना रह नहीं सकते, मैं इसके बिना कैसे रह सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो मैं, अगर मैं आई रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, हो जाता है लव एट फर्स्ट साइड, ठीक है फर्स्ट साइड, हाँ मतलब हो जाता है, फेल आ जाती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो हम उसको अपना बना लेते हैं और फिर अपने बनाने की परमानेंट चाहत भी रखते हैं, है ना। बट यार ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि जो शायद ही मैं कर पाऊँ। ये कंडीशन है मेरी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, ये कंडीशन है बस कि मुझे किसी यूट्यूबर से किसी। अच्छा देखो एक चीज़ और, ये ऐसा नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा है कि लोगों को अच्छा लगता है तुम्हारी वीडियोस देख के। बट एक हर लड़की का और हर लड़के का एक एक चीज़ होता है कि लड़के में जिसको जो चीज़ नहीं पसंद वो सामने से बोल दो,
यार लड़के को लड़की में जो चीज़ नहीं पसंद वो सामने, तुम्हें अगर मेरे अंदर कोई ख़राबी लगी हो तो तुम भी मुझे बोल सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लो मैं अपना काम छोड़ दूँ और आपके साथ शादी कर भी लूँ और फिर मैं कल को खुश ना रह पाऊँ क्योंकि बार बार मेरा मन करे यार इसी काम को कर और मैं जॉब में हैप्पी ना रह पाऊँ, फिर तो उससे क्या है कि हमारी एक मैरिड लाइफ भी ख़राब हो जाएगी ना। मैं सोचा नहीं था बट हो सकता है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि यार तो ठीक है हर लड़की ये चाहती है एक, क्योंकि लड़की में क्या होता है एक जालिस नाम की चीज़ होती ही होती है कि अगर कल को मैं तुम्हारे अलावा जैसे अभी जैसे हाथ दिखाना ये मैंने तुम्हारा पकड़ लिया और कल को मैं वीडियो में यही हाथ किसी और का पकड़ रहा हूँ तो एक जेलस हो सकता है, तो मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। हुई थी जेलस, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी। अच्छा तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इस बात को, लेकिन मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और इसी से मेरी ज़िंदगी चलती है, मैं अपने घर का बड़ा हूँ तो उस हिसाब से मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता। बट माइंड मत करना हाथ दिखाना, माइंड मत करना, आई एम रियली सॉरी। ओके बट यार देखो अब मैं तुम्हें पसंद भी हूँ, तुम्हें प्यार भी करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जो हमें पसंद होती है और वो हमें कभी नहीं मिल पाती हैं, बट हमें फिर भी चाहते हैं कि उनके टच में रहें, उनके साथ में रहें, तो हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं हमेशा। मैं आई प्रॉमिस मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँगा यार, लिंक्स भी भेजूँगा फिर। बट एक चीज़ है, तुमने मेरी वीडियोज़ मत देखा करना, उससे ना तुम्हें जेलस नहीं होगी। सामने आएगी मेरी मम्मा तुम्हारी वीडियोज़ देखती है तो ऑब्वियसली वो देखेंगी तो मुझको तो ज़रूर दिखाएंगी। हो सकता है जो मैंने तुम्हें बोला ये वाली बात तुम्हारी मम्मी भी समझे कि नहीं यार उसका काम है। अपसेट क्यों हो रहे हो यार? अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने तुमसे पास्ता मंगाया था अपने लिए, लाए हो? गाइस पास्ता भी आया मेरे लिए। क्या हुआ लाइफ छूटे क्या? हाँ लाइफ के मोमेंट है तो क्या हो गया, रिकॉर्ड करने में क्या जा रहा है, तभी तो दोस्ती हमेशा रहेगी ना। नाइस पास्ता। अरे यार ये तो चिल्ली वाला है, मैंने व्हाइट सॉस बोला था, मुझे यही मिला इसलिए मैं यही लिया। वैसे गाइस लक्की तो हूँ मैं थोड़ा सा, पास्ता मिला है फर्स्ट टाइम में। आप खाओगे? नहीं थोड़ा सा है, क्या खाओगे? मुझे नहीं खाना, मैं खाती भी नहीं। तो स्माइल तो ढंग से कर लो यार, तुम ये गुस्से वाली है। बताओ ना दोस्त रहेंगे हम? सोच सकती हूँ, मैं भी सोच के बताऊँगी। सोच के बताओगे? इतना रूड। चलो मेरा लंच टाइम ओवर हो गया, मैं जा रही हूँ। लंच टाइम ओवर हो गया? जवाब तो दो, अगली बार मिलोगे? सोच के बताओ। ये टिफिन ले जाना था। मैं ले जाऊँ, मिलोगी अगली बार? सोच के बताऊँ। प्यार से तो बात कर लो यार, मैं मजबूर हूँ साहब। खाना लंच टाइम में तुमने कुछ खाया ही नहीं, कहाँ जा रहे हो? मेरा लंच टाइम ओवर हो गया, मुझे ऑफिस जाना था। तुम तो खा दो लो, तुम खाओ, ले जाओ ना। मुझे नहीं खाना। खा लो एक, खा लो एक तो खा लो। नहीं मेरे को नहीं खाना। सच में जा रहे हो? हाँ। गया मूड खराब कर देना मैंने। नहीं नहीं दोस्ती के लिए बोल रहे हो ना तुम? हाँ मैं भी सोच के बताऊँ। पक्का? हाँ। सोचोगे? एक महीने का टाइम चाहिए। एक महीने का? देखो जल्दी बताना, बट सच बता रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं एक अच्छा हस्बैंड ना बन पाऊँ लेकिन मैं एक दोस्त बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि जिनका मैं हूँ ये उनका दिल जानता है। ठीक है। पक्का? ठीक है, ये अगली बार ही दूंगा अब मैं। गाइज पास्ता बहुत टेस्टी है, यम्मी है और मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, बट यार वो काम छोड़ दूँ अपना ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना।
बाकी टिफ़िन है मेरे पास, लेकिन अच्छे दोस्त भी रह सकते हैं यार, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ जिनका मैं दोस्त हूँ। ये तारीफ़ नहीं है, लेकिन हाँ इतना एहसास तो है मुझे कि आई एम गुड फ्रेंड। लेट्स सी क्या जवाब आता है, तब तक पास्ता एंजॉय करते हैं। ये यादगार रहेगा ताकि अगली बार वापसी दे दूँ।